नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। बता दूं दोस्तों कि फिलीपींस ने ऑफिशियली ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर दे दिया है। मैं यह भी बता दूं दोस्तों कि यह ऑर्डर ही नहीं बल्कि यह बहुत बड़ा गेम चेंजर स्टेप है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वह दक्षिण कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, इसके अलावा इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, इन सभी की चीन के साथ दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है और यह सभी देश चीन नौसेना से काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि चीन की नौसेना आज की तारीख में संख्या बल के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी है और दक्षिण चीन सागर को कब्जाने के लिए वो इसी संख्या बल का इस्तेमाल करता आया है। अपनी नौसैनिक शिपों को लगातार इन सभी छोटे देशों की जो समुद्री सीमाएं हैं वहां पर घुसपैठ करवाता है। यहां तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्च 2021 से फिलीपींस का एक आइलैंड पड़ता है दक्षिण चीन सागर में, उसकी घेराबंदी करके रखे हुए है चीन। अब फिलीपींस ऐसे घेराबंदी से बचने के लिए ही ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, क्योंकि फिलीपींस को पता है कि एक बार ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद लिया तो चीन उसके पास फटकने से भी पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल हम फिलीपींस को देने जा रहे हैं, यह गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि चीन के डर से अब इन सभी छोटे देशों का भारत के पास जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है, जहां ये सभी देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। चीन की नौसेना को काउंटर करने के लिए अब चीनी नौसेना से बड़ा एक और सरदर्द है, जिसको हराने के लिए भारत के खास हथियार की जरूरत है। दरअसल आप सभी जानते हैं पिछले 2-3 साल से चीन वायुसेना लगातार ताइवान को परेशान कर रही है, ताइवान के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करती है ये, और लगातार ताइवान के वायुसेना में घुसपैठ करके ताइवान को हिलमिनेट करने की कोशिश करती रही है। ठीक ऐसा ही काम इन्होंने वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस के साथ किया है। हाल ही में कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम की वायुसेना में चीनी वायुसेना ने घुसपैठ करने की कोशिश करी है, और इसलिए बताया यह भी जा रहा है कि अब वियतनाम ने भारत से आकाश से डिफेंस सिस्टम के नेक्स्ट जनरेशन के वेरिएंट को खरीदने के लिए यह कोशिशें बहुत तेज कर दी है। इतना ही नहीं, फिलीपींस ने ब्रह्मोस के बाद भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहेगा। यहां तक कि वियतनाम तो पहले से इजराइल का स्पाइडर सिस्टम खरीदना चाहता था, लेकिन जब से खबर आई है कि भारत का आकाश एनजी डिफेंस सिस्टम की वह अब इजराइल के सिस्टम को छोड़कर भारत का आकाश एनजी खरीदने की तरफ बढ़ रहे हैं और इसको लेकर जल्द ही कोई खबर सामने आ सकती है। यह भारत के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि इससे भारत बिलियनों डॉलर्स को कमाएगा और मोटी रकम भी कमा सकता और है, एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर देश बनेगा। लेकिन साथ ही हम चीन को अपने स्वदेशी हथियारों से घेराबंदी भी करेंगे, चीन के जो पड़ोसी देश हैं उन्हें मजबूत बनाएंगे और चीन के चौतरफा हालत खराब कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि यह एक सफल रणनीति बन रही है। इसी के तहत अमेरिका ने सोवियत यूनियन को भी तोड़ा था, भारत अब इसी नीति को अपना रहा है। हालांकि इस पर आपका क्या भी पॉइंट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। एक वीडियो को समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों जय हिंद, जय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।